फ्रेंड्स, आई एम अंकिता लोनावत. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग मेडिको. ऑन दिस चैनल आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर मेडिकल स्टूडेंट एंड सम अदर मेडिकल फैकल्टीज फॉर देयर स्टडीज. सो प्लीज सपोर्ट मी फॉर मेकिंग मोर सच वीडियोस. शॉक इट इज एन लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स व्हिच इज यू. अब ये शॉक क्यों होता है? ड्यू टू रिडक्शन इन इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम. हमारे बॉडी में जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, जब ये ब्लड फ्लो कम हो जाए तब बंदा शॉक में जा सकता है. मीन्स देर इज एन एक्सीडेंट, देन देर इज अ सीवियर इन एन एक्सीडेंट वेन देर इज अ सीवियर ब्लड लॉस, देन द पर्टिकुलर पर्सन मे गो इन अ शॉक. एंड द अनदर रीजन इज इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन. मतलब वेन देर इज एन एक्सचेंज बिटवीन सेल टिश्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेन दिस एक्सचेंज इट इज नॉट एडिक्वेट और वेन इट इज नॉट प्रॉपर, इट मे लीड टू शॉक. नाउ टू टाइप्स, प्राइमरी शॉक एंड सेकेंडरी शॉक. द सेकेंडरी शॉक इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू शॉक. In the secondary shock, there is an inadequate supply between the oxygen supply and the oxygen requirements of the cell. ये जो exchange offer है ना, वो बराबर नहीं होता cell और tissues का, इसलिए बंदा true shock में जा सकता है. And the another is the secondary shock. It may result from a sudden death of an relative or from fear or sudden attack of emotions. This is known as the primary shock. On the basis of etiology, shock is classified into three main types: hypovolemic shock, septic shock, and cardiogenic shock. And the other types include traumatic shock, neurogenic shock, and hypoadrenal shock. First, we're gonna learn the hypovolemic shock. Hypovolemic shock, it results from inadequate circulatory blood volume. मतलब बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता. हमने जैसे पहले ही देखा है, बॉडी में ब्लड फ्लो ना होने की वजह से शॉक होता है, और उस टाइप के शॉक को बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक. अब ये क्यों होता है? इट मे बी ऑफ टू टाइप्स. दिस लॉस मे बी ऑफ टू टाइप्स. इट मे बी लॉस ऑफ द होल ब्लड, मतलब प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स का ब्लड लॉस हो सकता है. इट मे बी ड्यू टू हेमोरेज, एज वी हैव सीन ड्यू टू एक्सीडेंट देयर इज सीवियर ब्लड लॉस व्हिच मे लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक. Or it may be caused from the loss of the plasma volume alone. Its severity depends upon the volume of blood lost. It is classified into four main types. It is compensated when the blood volume lost is less than 1000 ml. It is mild when the blood volume lost is between 1000 to 1500 ml. It is moderate when the blood volume lost is between 1500 to 2000 ml. And it is severe when the blood volume lost is greater than 2000 ml. So, what are the clinical features resulting from hypovolemic shock? First is the tachycardia. There is increased heart rate. अभी जब बंदे को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा प्रॉपर, हार्ट की डिमांड बढ़ेगी एंड देन देयर इज टैकाकार्डिया. सेकंड इज द हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, ऑलिगोयूरिया टू एनुरिया. एंड द लास्ट इज द अल्टरनेशन इन मेंटल कंडीशंस. व्हेन देयर इज नो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, ब्रेन को भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और इसलिए देयर आर सम मेंटल कंडीशन. कार्डियोजेनिक शॉक, what happens in the cardiogenic shock? First, there is acute myocardial infarction which leads to left ventricular dysfunction. Acute myocardial infarction की वजह से क्या होता है? Left ventricular dysfunction होता है, जिसकी वजह से हमारा जो cardiac output है वो decrease हो जाता है. Cardiac output decrease होने की वजह से tissue perfusion भी डिक्रीज हो जाता है. टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होने की वजह से इट मे लीड टू पल्मोनरी एडिमा. टिश्यू परफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू को, वो जब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई जब कम हो जाता है तो एनोक्सिया, इट मे लीड टू एनोक्सिया. उसकी वजह से वहां पर इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा और वो बंदा
शॉक में जाएगा, इट मे लीड टू शॉक. सो दिस इज द कार्डियोजेनिक सेप्टिक शॉक. इट मे रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. अब ये माइक्रोब्स एंट्री लेते हैं तो मेनली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से एंट्री लेते हैं. Now, when it is caused by gram-negative bacteria, it is known as gram-negative septicemia and the shock is known as endotoxic shock. और अगर वो gram-positive bacteria से हो, it is known as gram-positive septicemia और उसे बोलते हैं exotoxic shock. So, this is the septic shock. So, what is the pathogenesis of shock? First of all, there is डिक्रीज इन द इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम. मतलब जो ब्लड वॉल्यूम है बॉडी में वो कम होते जा रहा है. अब वो क्यों होता है? जैसे हमने हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में देखा था एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड होता है. एंड वी हैव सीन इन द कार्डियोजेनिक शॉक व्हेन देयर इज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट. दिस इफेक्टिव सर्कुलेटरी रिडक्शन इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम लीड्स टू डिक्रीज इन द वीनस रिटर्न. इसकी वजह से वीनस रिटर्न जो होता है हार्ट को वो कम हो जाता है. उसकी वजह से होता है कार्डियक आउटपुट में डिक्रीज हो जाता है. कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है. उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है वो पर्टिकुलर सेल या टिश्यू को. देन इट लीड्स टू सेल इंजुरी. इसकी वजह से होती है सेल इंजुरी व्हिच कॉजेस. अब सेल इंजुरी होने के बाद वहां पर इंफ्लेमेशन होगा. वहां पर इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे व्हिच विल कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन शॉक. इट इज क्वाइट इजी. फर्स्ट देयर इज डिक्रीज इन द इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम. जो ब्लड वॉल्यूम है बॉडी में वो कम कम होते जा रहा है. उसकी वजह से वीनस रिटर्न है जो हार्ट को वो कम होगा. उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है हार्ट का वो कम होगा. उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई टू द पर्टिकुलर सेल्स एंड टिश्यूज वो कम होगा व्हिच विल कॉन्सिक्वेंटली लीड टू सेल इंजुरी. अब सेल इंजुरी होगी तो बॉडी कुछ तो भी डिफेंस करेगी ना. उसके रिस्पॉन्स में वो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेगी व्हिच विल फाइनली रिजल्ट इनटू शॉक. सो व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी और द स्टेजेस ऑफ शॉक. फर्स्ट is the compensator shock. Second, progressive decompensator shock. And third is the irreversible decompensator shock. Compensator shock. जब initially shock होता है तो body जो effective circulatory blood volume है उसको distribute करने को देखती है. मतलब जो vital organs है जैसे heart, brain, liver, इनको blood supply हो इसका वो try करती है. And this is known as the compensator shock. अब ये किसकी वजह से होता है? सम न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म से हमारे बॉडी में जिसके वजह से ये होता है. वहां पे प्रोग्रेसिव वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है. मतलब जो ब्लड वेसल्स है उनका कंस्ट्रिक्शन होता है ताकि ब्लड लॉस ना हो. वाटर रिटेंशन होता है किडनी में से ना. सेकेंड वन इज द प्रोग्रेसिव डीकॉम्पेंसेटेड शॉक. When the person or the patient is suffering from some other stress or some other etiologic factor other than the shock, it is known as the progressive decompensated shock. Now it may this if the progressive decompensated shock continues, it may leads to tissue ischemia. अगर ये ऐसे ही continue होता रहा, कुछ other stress होता है जब patient को shock के अलावा भी, तो उसे बोलते हैं progressive decompensated shock. इसकी वजह से tissue ischemia होगा, मतलब blood supply नहीं होगा proper उसको. Now the third and the last one is the irreversible decompensated shock. यहाँ पर क्या होता है कि बंदे को इनिशियल कॉम्पेंसेटर शॉक मैकेनिज्म्स के भी चालू है. मतलब उसको बॉडी मैकेनिज्म कुछ तो भी ट्राई भी कर रही है ताकि ब्लड लॉस ना हो. सम मेडिकल इफ मेडिकल कंडीशंस आर आल्सो मेडिसिंस आर आल्सो गिवन सम ट्रीटमेंट इज आल्सो गिवन. पर ये सब करने के बावजूद भी जब शॉक कंटिन्यू होता है वो उसे कहते हैं irreversible decompensated shock. What are the clinical features and the complication of shock? When the irreversible decompensated shock does not recovers, the following complications takes place. अब पहले क्या होता है? Very low blood volume, blood pressure. मतलब blood pressure बहुत कम हो जाता है.
सब नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है लेस देन 95 फ़ारेनहाइट, फीबल एंड इरेगुलर पल्स, हम पल्स को फील नहीं कर सकते या फिर पल्स इरेगुलर रहती है। एंड द फोर्थ इज द शैलो रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से जो बंदा है वो डीप ब्रीथ करता है, इसके वजह से शैलो रेस्पिरेशन। एंड द फाइनली इट लीड्स टू स्टूपर, कोमा एंड डेथ। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हिच टॉपिक शुड आई प्रिपेयर माई नेक्स्ट वीडियो। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।